Hey guys, welcome back to my channel. I'm again here with a new video of class 10th with chapter 5. So we were doing exercise 5.3 in our previous video. So we have already done question number 1 to 7. Now we are gonna start a new question number 8. So let's get started. देखिए एट की स्टेटमेंट देख लेते हैं. सबसे पहले क्या दे रखा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी. हमें क्या निकालना है, हमें 51 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है. यानी कि हमें निकालना क्या है जी, हमें निकालना है S51. ठीक है, सबसे पहली बात. फिर गिवन क्या है हमें, ऑफ एन एपी हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18 रेस्पेक्टिवली. हमें गिवन क्या है, हमें एक तो सेकंड टर्म गिवन है और एक थर्ड टर्म गिवन है. सेकंड है 14, थर्ड है 18. तो क्या करेंगे, यहां से हमें S51 निकालना है. अब देखो सम का जो फॉर्मूला होता है हमारा SN का, वो फॉर्मूला तो सबको पता ही होगा. देखिए मैं एक बार साइड में आपको लिख के दिखा देती हूँ, तो रिमाइंड कर लेंगे हम. SN का फॉर्मूला था N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D. तो हमें क्या चाहिए, एक तो N तो हमें पता चल गया 51 टर्म्स का सम चाहिए, और क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस. तो इन दोनों की हेल्प से हम क्या निकालेंगे, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस. अब देखिए A2 गिवन है. A2 क्या होता है हमारा, AN का फॉर्मूला लगा देते हैं. अब AN का फॉर्मूला यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, क्या होता है, a प्लस N-1 इंटू डी. यहाँ पे लिखेंगे तो a प्लस डी हो जाएगा, 2 की जगह एक कम करेंगे 2-1 तो 1 आ गया. इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा, 14. इक्वेशन नंबर 1. नेक्स्ट देखिए a3 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2d किसके इक्वल, 18 के. इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल देते हैं. अब देखिए यहाँ पे दो लीनियर इक्वेशंस आ गई हमारी इन टू वेरिएबल्स, तो इनको कैसे सॉल्व करेंगे, डायरेक्टली माइनस कर लेते हैं, 1-2. ठीक है, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये भी और ये भी, सारे साइन चेंज हो गए. ए से ए कट जाएगा हमारा, ये प्लस का डी, ये माइनस का 2d, क्या बचा, माइनस डी. यहां से ये 14, ये माइनस का 18, तो क्या बचा, -4. माइनस से माइनस कट गया, तो हमारे डी का आंसर कितना आ गया यहां से, 4. ठीक है, डी निकाल चुके हम, कॉमन डिफरेंस आ गया. अब इस कॉमन डिफरेंस को कहां पे यूज कर लेते हैं, 1 में. तो क्या लिखेंगे, डी इक्वल्स टू 4. इसको क्या कर रहे हैं हम, यूज. तो यूजिंग डी इक्वल्स टू 4 कहां पे, इन इक्वेशन 1 में यूज कर लेते हैं. तो देखिए ये क्या बन जाएगा हमारा, a प्लस डी की जगह क्या रख दें हम, 4 इक्वल्स टू क्या है, 14. तो यहां से a की वैल्यू क्या आएगी, 14-4 यानी कि क्या आ गया, 10. तो a की वैल्यू क्या निकाल ली हमने, 10. अब देखिए a निकाल चुके, d निकाल चुके, अब क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, SN क्या था हमारा, S51 निकालना था, यानी कि n की जगह क्या पुट कर देंगे, 51. तो ये जो SN का फॉर्मूला था हमारा, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, n की जगह क्या लिख देते हैं, 51/2 इंटू में यहां से क्या आ जाएगा, 2 इंटू ए. ए है हमारा 10 प्लस N-1 यानी कि 51-1 क्या हो जाएगा, 50 इंटू डी की वैल्यू क्या है हमारी, 4. ठीक है इतना. अब देखिए 51/2 इंटू 2 इंटू 10 क्या हो गया, 20 प्लस 50 इंटू 4 क्या हो गया, 200. अंदर से क्या बचा हमारा, 51/2 इंटू 200 प्लस में 20 यानी कि 220. अब ये 2 से कट जाएगा हमारा, अंदर वाला 2 से कट गया 1 पे, ये 2 बन जा 2, 2 बन जा 2 और 0. तो यहां से आ गया 51 × 110. ठीक है, और इसकी मल्टीप्लाई आप खुद से कर लेंगे. मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर क्या आएगा, वो लिख देती हूँ डायरेक्ट. तो आपका आंसर आ जाएगा 5610. तो ये हमारा क्या आ गया, S51 जो हमें फाइंड आउट करना था. डन. हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ से. अब 9th क्वेश्चन में आ गए. इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी, स्टार्टिंग की 7 टर्म्स का सम हमें क्या दे रखा है, 49. यानी कि हमें S7 गिवन है एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289 और S17 क्या गिवन है, 289. फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स. हमें क्या निकालना है, हमें n टर्म्स का सम निकालना है. देखो जो गिवन है ना, सबसे पहले वो लिख देते हैं. एक तो S7 गिवन है हमें कितना, 49, और एक क्या गिवन है हमें, S17 कितना, 289. अब हमें निकालना क्या है वो लिख देते हैं. तो हमें निकालना है SN. ठीक है, तो यहाँ पे SN का फॉर्मूला लगाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा, A और D की वैल्यू. तो यहां से क्या निकाल लेते हैं, A और D निकाल लेते हैं. तो किसकी हेल्प से निकालेंगे, जो गिवन है. देखिए S7 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, सबसे पहले यहाँ पे SN का फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं, N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D. ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे. अब देखिए N की जगह क्या रखेंगे, 7, तो 7/2 इंटू 2a प्लस, क्योंकि a की वैल्यू हमें पता नहीं है. फिर N-1, n है 7, 7-1 क्या हो गया, 6, इंटू में क्या आएगा, d, और इक्वल्स टू में क्या है हमारा, 49. अब यहां से देखिए 7/2 इंटू
यहां से देखो क्या कॉमन आ रहा है, यहां से टू कॉमन आ रहा है, तो मैं क्या करती हूँ यहाँ पे टू को बाहर निकाल देती हूँ, तो अंदर से क्या बचेगा ए प्लस, यहां से टू चला गया क्या बचा थ्री, ठीक है, इक्वल्स टू में क्या है 49, टू से टू कट गया हमारा, अब क्या बचा यहाँ पे ए प्लस 3d इक्वल्स टू ये 49, 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इस ब्रैकेट के साथ उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो कट के क्या आंसर आ जाएगा 7, तो हमारी इक्वेशन क्या आ गई ए प्लस 3d इक्वल्स टू 7, इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लेते हैं इसको। अब देखिए जो सेकंड चीज हमें गिवन थी वो क्या थी एस 17, इसमें भी फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं तो क्या बनेगा 17/2 इनटू यहाँ पे आ जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 यानी कि 17-1 वो कितना हो जाएगा 16d और इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा हमारा 289 गिवन है। फिर देखो अंदर से 2 कॉमन आएगा फिर से तो क्या कर लेते हैं 17/2 इनटू 2 कॉमन निकाल देते हैं क्या बचेगा a प्लस यहाँ से क्या बचा 8d इक्वल्स टू यहाँ पे क्या लिखेंगे 289 एज इट इज हमारा। नेक्स्ट देखिए 2 से 2 कट गया a प्लस 8d एज इट इज ये यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई है 17 वहां जाके क्या हो जाएगा डिवाइड तो 289/17 इसको डिवाइड करके देख लेना ये हमारा जाएगा जी 17 पे ठीक है तो आंसर कितना आ गया हमारा 17 तो यहां से क्या बन जाएगी इक्वेशन a प्लस 8d इक्वल्स टू 17 इसको क्या सपोज कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 और 2 हमारी क्या है दो लीनियर पेयर लीनियर इक्वेशंस हैं किसमें इन टू वेरिएबल्स में ठीक है तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ये वाला तो हमने चैप्टर नंबर 3 में बहुत सारे पढ़े थे ना मेथड्स इनको सॉल्व करने के तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं यहाँ पे इक्वेशन लिख देते हैं एक बार a प्लस 3d किसके इक्वल है हमारा 7 के और a प्लस 8d ये किसके इक्वल है 17 के तो देखिए क्या लिख देते हैं 1-2 फर्स्ट में से सेकंड को क्या कर लेते हैं माइनस कर लेते हैं ठीक है जब हम माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन चेंज हो जाएगा सबका ठीक है अब ये 1-2 आप ऊपर लिख देना यहाँ पे 1-2 अब देखिए a से a कट गया 3d-8d तो क्या बचेगा माइनस का 5d अब ये 7 प्लस का ये 17 माइनस का तो क्या बचा माइनस का 10 माइनस से माइनस कटेगा d का आंसर निकालेंगे तो 10/5 कट के क्या आंसर आएगा 2 तो हमने d की वैल्यू निकाल ली यहां से क्या आंसर आ गया हमारा d का 2 ठीक है यहां तक तो ठीक है। अब हम क्या करेंगे ये जो d की वैल्यू है इसको कहां पे यूज कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1 में तो मैं क्या लिख रही हूं यहां पे यूजिंग d इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1 ठीक है 1 में यूज कर लेते हैं तो a प्लस 3 मल्टीप्लाई डी है 2 इक्वल्स टू में है 7 यानी कि a प्लस 3 टू जा 6 इक्वल्स टू में है 7 तो a का आंसर कितना आ गया 7-6 क्या बचा 1 यानी कि हमारा a क्या निकल गया 1 के इक्वल। अब a भी आ चुका हमारा d भी आ चुका हमें क्या निकालना है हमें तो sn निकालना है यहां से तो sn का फॉर्मूला लगा देते हैं। अब sn का फॉर्मूला क्या था हमारा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी तो पूरे में वैल्यू पुट कर दे देखिए क्या बनेगा ये n/2 इंटू अब क्योंकि हमें n टर्म्स का ही सम निकालना था तो n की जगह कुछ नहीं रखेंगे n ही रहेगा हमारा ठीक है n/2 इंटू 2a a की वैल्यू है 1 तो 2 इंटू 2 क्या हो गया 2 सॉरी 2 इंटू 1 क्या हो गया 2 प्लस n-1 ये एज इट इज रहेगा इंटू डी की वैल्यू डी क्या है हमारा 2 तो यहां से देखिए n/2 इंटू अंदर से क्या बना 2 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n-2 -2 से ये कट गया क्या बचा अंदर से n/2 इंटू 2n अब इस 2 से ये 2 कट जाएगा हमारा अंदर से क्या बचा n इंटू n यानी कि सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया n स्क्वायर तो sn यानी कि n टर्म्स का सम क्या आ गया हमारा n स्क्वायर डन। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10th में आ गए हम शो दैट a1 a2 अप टू सोन an अप टू सोन फॉर्म एन ap हमें ये शो करना है कि पहले तो जो ये टर्म्स गिवन है a1 a2 अप टू सोन ये सारी क्या फॉर्म करेंगी ap फॉर्म करेंगी वेयर an इज डिफाइंड एज बिलो जहां पे an नीचे गिवन है ठीक है फिर क्या करना है ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस पहले ap शो करें उसके बाद s15 निकाल लें सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स s15 ठीक है तो देखिए एक पार्ट मैं कराऊंगी आपको एक आप खुद से करना। फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन क्या है an की वैल्यू क्या गिवन है 3+4n ये an गिवन है हमें और निकालना क्या है यहां से हमें s15 और सबसे पहले क्या करना है इसको ap प्रूव करना है ये 2 प्रूव में है हमारा ठीक है। अब देखिए सबसे पहले ap प्रूव करेंगे इसको ap प्रूव करने के लिए हमारे पास ap की टर्म्स होनी चाहिए तो ये हमारी an यानी कि nth टर्म है अगर मुझे फर्स्ट टर्म निकालनी है तो n को क्या रखना पड़ेगा मुझे 1 यहाँ पे n हमारा लेफ्ट साइड में 1 रखेंगे तो राइट साइड में भी 1 रखना पड़ेगा तो क्या आएगा 3+4 × 1 तो यहां से आ गया 3+4 यानी कि क्या आंसर आ गया 7। अब a2 निकाल लेते हैं सेकंड टर्म कैसे निकलेगी यहाँ पे n को क्या पुट कर दोगे 2 करो 3+4 × 2
यानी कि 3 + 4 = 8, कितना आंसर आ गया 11। फिर क्या निकालेंगे A3, कैसे निकलेगा 3 + 4 × n की जगह क्या रखेंगे 3, तो 3 + 4 = 12, क्या आ गया हमारा 15। ठीक है, नेक्स्ट एक और निकाल लेते हैं A4, तो यहाँ पे क्या रखेंगे 3 + 4 × 4, यानी कि 3 + 4 = 16, 16 + 3 = 19। डन, अब देखिए चार टर्म्स निकाल चुके हम, अब इनको क्या कर लेते हैं, एक सीक्वेंस बना लेते हैं, इनकी क्या बनेगा 7, 11, 15 और 19। ठीक है, तो यहां से आप लिख भी लेना कि द गिवन सीक्वेंस इज, उसके बाद ये सीक्वेंस आपकी अप टू 100 ये चलेगी हमारी। अब हम चेक कर लेते हैं कि ये एपी है या नहीं हमारी, तो क्या लिखें यहाँ पे टू चेक एपी, ये हम एपी चेक करने के लिए कर रहे हैं जो भी करेंगे। अब कैसे चेक करते थे एपी, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, सबसे पहले D1 निकाल लेते हैं, फर्स्ट वाला कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है A2 - A1 से, फिर सेकंड वाला कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा थर्ड टर्म में से सेकंड को माइनस कर दो, फिर थर्ड वाला कैसे निकलेगा फोर्थ में से थर्ड को माइनस कर दो। तो देखिए सेकंड में से जब फर्स्ट को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 11 - 7, क्या आंसर आ गया 4, फिर थर्ड में से सेकंड को करेंगे तो 15 - 11, क्या आंसर आ गया 4, फोर्थ में से थर्ड को करेंगे 19 - 15, क्या आंसर आ गया 4। अब देखो सबका जो डिफरेंस है वो क्या आ गया हमारा सेम, अगर डिफरेंस हो जाता है कॉमन तो हम क्या बोलते हैं ये जो सीक्वेंस है ये क्या है हमारी, ये एपी बन जाती है। ठीक है, ये सारी लाइंस आप लिखेंगे खुद से, एपी प्रूफ कर चुके। अब यहां तक आने के बाद फिर क्या करना है हमें निकालना था S15। अब S15 का फॉर्मूला जब लगाएंगे तो देखिए SN का फॉर्मूला लिख देती हूँ मैं एक बार, क्या होता है N/2 × 2A + N - 1 × D। हमें क्या निकालना है S15, यानी कि 15 टर्म्स का सम, तो N की जगह क्या पुट करेंगे 15 by 2 × 2 × A, A की वैल्यू क्या निकली थी हमारी यहाँ से 7 plus, ठीक है ये फर्स्ट टर्म थी ना हमारी 7, फिर प्लस N - 1 यानी कि 15 - 1 क्या हो जाएगा 14 × D क्या है हमारा यहाँ से 4। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं तो यहां से आ गया 15 by 2 × 2 = 7 + 14 + 14 = 56, तो यहां से क्या बनेगा 15 by 2 × 56 + 4 = 60 + 10 = 70, 2 से ये कट जाएगा किस पे 35 पे, तो यहां से इनकी कर लेते हैं हम मल्टीप्लाई, जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा यहां से जी। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख देती हूँ, यहां से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बन जाएगा आपका 525। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट आप खुद से करेंगे इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन से में आ गए हैं 11th में, देखिए क्या दे रखा है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n - n², क्या दे रखा है हमें पहली एन टर्म्स का सम, तो लिख लेते हैं जो गिवन है SN गिवन है और गिवन क्या है हमें 4n - n². ठीक है, फिर क्या दे रखा है व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, हमसे क्या पूछा गया कि पहली टर्म क्या बनेगी। ठीक है, तो यानी कि हमसे पूछा गया है सबसे पहले तो A1, ठीक है, नेक्स्ट क्या पूछा गया है हमसे व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स, पहली दो टर्म्स का सम, यानी कि हमसे क्या पूछा गया है S2। ठीक है, नेक्स्ट क्या पूछा गया है व्हाट इज द सेकंड टर्म, यानी कि हम क्या निकालेंगे फिर A2 सेकंड टर्म। नेक्स्ट सिमिलरली फाइंड द थर्ड 10th and nth टर्म्स, यानी कि फिर क्या निकालेंगे थर्ड टर्म, फिर फोर्थ टर्म, नहीं सॉरी फोर्थ नहीं, फिर हमसे पूछी गई है 10th टर्म और फिर पूछा गया है nth टर्म, तो ये सारी वैल्यूज हमसे निकालने को पूछी गई हैं। ठीक है, कहा गया है, तो देख लेते हैं अब कैसे निकालेंगे इनको। सबसे पहले देखिए गिवन क्या है हमारे पास SN, SN क्या होता है n टर्म्स का सम। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है A1 फर्स्ट टर्म, देखिए अगर मैं यहां से S1 निकालना चाहूं तो N की जगह क्या पुट कर दिया मैंने लेफ्ट में 1, तो यहां पे राइट में भी क्या पुट जाएगा 1, करो इसमें 1, 4 × 1 - 1 का स्क्वायर, फिर 4 × 1 = 4 - 1 का स्क्वायर, क्या आ गया माइनस करके 3। अब S1 का क्या मतलब है कि एक टर्म का सम, अब एक टर्म का सम का क्या मतलब हो जाएगा बच्चे, अकेली ही तो टर्म है ना, फर्स्ट वाली टर्म अकेली तो है, इसको प्लस किसमें करेंगे, अकेली टर्म का क्या प्लस, वही तो आंसर आएगा हमारा। ठीक है, तो यानी कि जो S1 होता है फर्स्ट टर्म का सम, अकेली टर्म ही तो आएगी हमारी, यानी कि ये किसके इक्वल आएगा A1 के ही तो इक्वल होगा ये हमारा, तो फर्स्ट टर्म तो आ गई यहां से हमारी। फिर क्या निकालना है S2, S2 मतलब दो टर्म्स का सम, तो S2 कैसे निकालेंगे यहां पे S2, तो S2 का मतलब कंपेयर करना, n की वैल्यू क्या पुट कर दी मैंने 2, तो राइट में भी क्या पुट करेंगे 2, 4 × 2 - 2 का स्क्वायर, 4 × 2 = 8 - 2 का स्क्वायर 4, 8 में से 4 गया 4, तो S2 का क्या आंसर आ गया 4। देखिए A1 निकाल चुके, S2 निकाल चुके, नेक्स्ट टर्म A2 निकालनी अब हमें सेकंड टर्म। अब देखो सेकंड टर्म कैसे निकालेंगे, क्या क्या निकाल चुके वहां से देखते हैं। देखिए हम निकाल चुके S1 मतलब
फर्स्ट टर्म कह सकते हैं एस टू, क्या क्या मतलब है एस टू का, कि फर्स्ट और सेकेंड टर्म का सम, तो क्या मैं एस टू को ऐसे लिख सकती हूँ ए वन प्लस ए टू, दो टर्म्स का ही तो सम है ये स्टार्टिंग की, और इसका आंसर क्या है फोर, और क्योंकि ए वन का क्या आंसर निकालना था हमने थ्री, तो यहाँ पे पुट कर दो थ्री, यहाँ पे रख दो ए टू, ये किसके इक्वल है फोर, तो ए टू निकालेंगे तो क्या आ गया फोर माइनस थ्री किसके इक्वल वन के, ये हमने क्या किया था यहाँ पे यूज किया है हमने क्या ए वन इक्वल्स टू थ्री, ठीक है, इसका यूज करके हमने क्या निकाल लिया यहाँ से ए टू भी फाइंड आउट कर लिया, ऊपर वाली तीनों टर्म्स निकाल चुके, नेक्स्ट देखिए क्या निकालना है थर्ड टर्म, अब थर्ड टर्म कैसे निकालेंगे देखिए, फर्स्ट टर्म आ चुकी हमारी, सेकंड टर्म भी आ चुकी हमारी, अब डी निकाल लें यहां से, डी निकालो पहले, डी कैसे निकलेगा ए टू में से ए वन को माइनस कर दो, देखो ए टू क्या आया हमारा वन, ए वन क्या आया था हमारा थ्री, तो वन माइनस थ्री करेंगे तो डी क्या आ गया हमारा माइनस टू, ठीक है, अब डी निकाल चुके, अब क्या निकालना है ए थ्री, ए थ्री कैसे निकलेगा, फॉर्मूला क्या होता है हमारा ए प्लस टू डी, ए की वैल्यू क्या थी थ्री प्लस टू इंटू डी की वैल्यू क्या आई माइनस टू, तो थ्री फिर देखो टू इंटू टू क्या हो जाएगा फोर, और ये माइनस है तो यहाँ पे कैसा साइन आ जाएगा माइनस फोर, तो आंसर क्या आ गया माइनस वन, ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, अब थर्ड टर्म भी आ चुकी है, अब क्या निकालना है टेंथ टर्म, यानी कि ए टेन, ए टेन कैसे निकलेगा ए प्लस नाइन डी, ए की वैल्यू क्या है थ्री प्लस नाइन इंटू डी की वैल्यू क्या है माइनस टू, तो यहां से आया थ्री, नाइन टू जा एटीन, माइनस का साइन है तो यहां पे कैसा आ जाएगा माइनस, तो थ्री प्लस और एटीन माइनस का, तो क्या बचा माइनस का फिफ्टीन, ये हमारा क्या निकल गया टेंथ टर्म, अब क्या निकालनी है हमें एनथ टर्म, तो ए एन निकालेंगे, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वैल्यू पुट कर दो, ए की वैल्यू थ्री प्लस एन एज इट इज रहेगा, डी की वैल्यू क्या आई है माइनस टू, मल्टीप्लाई कर लो थ्री माइनस टू को एन से करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस टू एन, माइनस टू को माइनस वन से करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, फिर देखो थ्री प्लस टू यहां से क्या आ गया फाइव, माइनस का टू एन क्या रहेगा एज इट इज, डन, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट। तो ये बेटा थोड़ा इंपॉर्टेंट वाला टाइप था, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, इसको अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ट्वेल्थ, क्या दे रखा है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6, हमें क्या करना है स्टार्टिंग के जो 40 पॉजिटिव इंटीजर्स बनेंगे उनका हमें क्या निकालना है सम निकालना है, जो कैसे हो जो 6 से डिवाइड हो सकते हो, ठीक है, और स्टार्टिंग के 40 होने चाहिए, तो देखिए हमें निकालना क्या है, सबसे पहली बात तो हमें निकालना है एस 40, ठीक है, और एस 40 किनका, ऐसे नंबर्स जो 6 से क्या हैं डिविजिबल हैं, ठीक है, जो 6 से क्या हो सकते हैं हमारे डिवाइड हो सकते हैं, तो देखिए सबसे पहले क्या निकाल लेंगे हम, हमें 40 टर्म्स का सम निकालना है, तो सबसे पहले देखिए 6 का जो वो नंबर जो सबसे पहले 6 से डिवाइड हो जाएगा वो क्या बनेगा हमारा 6 ही तो बनेगा, समझ आई बात, तो सबसे पहला नंबर क्या आ गया 6, सेकेंड वाला नंबर क्या आ जाएगा जो 6 से डिवाइड होगा 12, थर्ड क्या आ जाएगा हमारा 18, फोर्थ क्या आ जाएगा 24, ठीक है, 6 का टेबल देख लो, ये सारे टेबल वाले नंबर 6 से डिवाइड हो जाएंगे ना हमारे, अब टू सोन चलता रहेगा, अब ये कितनी टर्म्स का सम देखना है हमें 40 टर्म्स का, तो n की वैल्यू तो हमें यहां से पता चली जाएगी, अब यहां से देखो a की वैल्यू क्या निकाल चुके 6, d कैसे निकालेंगे सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 12 माइनस 6 क्या आ गया हमारा 6, ये एपी बन जाएगी ना यहां से, तो ए आ चुका डी आ चुका, एस 40 निकाल लेते हैं डायरेक्ट, देखो एस 40 40 बाय 2 इंटू 2a, ए की वैल्यू पुट कर दो क्या होता है 6 प्लस एन माइनस वन, यानी कि 40 माइनस वन क्या हो जाएगा 39 इंटू डी, डी की वैल्यू क्या है 6, देखिए 40 बाय 2 इंटू अंदर से 26 जा 12 प्लस 6 से इसको मल्टीप्लाई कर दो 69 जा 54, 563 जा 18, 18 और 4 क्या हो जाएगा 22, ठीक है, हाँ जी ये मिस्टेक हो गई यहाँ पे, देखिए 69 जा 54, 5 बचेंगे, मैंने 4 काउंट कर लिया, तो 63 जा 18, 18 और 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा 234, ठीक है, ये आ गया, अब 2 से ये कटेगा किस पे 20 पे, तो बाहर तो क्या बचा 20, अंदर देखिए 12 प्लस 234 है, तो 234 प्लस 2 तो 236 प्लस में 10 करेंगे तो 246, ठीक है, और इसको क्या करना है हमें मल्टीप्लाई, तो कर लीजिए मल्टीप्लाई, 26 जा 12 जीरो पीछे आएगी ही, फिर 24 जा 8, 8 और 1, 9 और 2, 2 जा 4, तो ये हमारा क्या आ गया यहाँ से S40, मतलब स्टार्टिंग की 40 टर्म्स का सम, कौन सी टर्म्स जो 6 से क्या हो सकती थी डिवाइड, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, हमें क्या करना है स्टार्टिंग के जो 15 मल्टीपल्स होंगे 8 के उनका क्या निकालना है सम, ठीक है, तो सबसे पहले तो ये कि 15 टर्म्स का सम निकालना है, तो हमें निकालना है एस 15, अच्छा मल्टीपल्स किसके होने चाहिए 8 के, तो हम क्या लिख लेते हैं सबसे पहला क्या होगा मल्टीपल हमारा 8, फिर क्या हो जाएगा हमारा मल्टीपल 16, नेक्स्ट क्या हो जाएगा 24, ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा अप टू सोन कर लेंगे, अब देखिए यहां से एस 15 निकालना है हमें, तो ए और डी की वैल्यू चाहिए, तो ए की वैल्यू तो पता चल गई फर्स्ट टर्म क्या है हमारी 8, डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे
16 माइनस 8, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, क्या आंसर आ गया 8. अब S15 का फॉर्मूला लगा देते हैं. क्या होता है फॉर्मूला, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रही हूँ, n बाई टू, n की जगह 15 बाई टू, फिर 2 इंटू ए, तो 2 इंटू ए की जगह 8 प्लस n माइनस 1 यानी कि 15 माइनस 1 क्या हो जाएगा 14 इंटू डी, डी की वैल्यू क्या है 8. ठीक है यहां तक. अब देखिए 15 बाई टू, अंदर से देखिए 2 कॉमन आ रहा है दोनों में से. अच्छा काम कर लीजिए, 8 कॉमन आ रहा है दोनों में से, 8 को कॉमन निकाल लो, 8 को बाहर निकाल दिया, यहां से क्या बचेगा 2 प्लस, यहां से क्या बचेगा 14. 2 से ये किस पे कट गया 4 पे, और 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाता है 60. ठीक है, अब अंदर से देखो 2 और प्लस में 4 है 14 है, तो क्या आंसर आ जाएगा 16. अब 16 6 जो क्या होता है 96, तो यहां से आ गया 96 के पीछे एक जीरो, तो हमारे S15 का आंसर क्या आ गया 960. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द सम ऑफ द ओड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50. हमें क्या करना है, 0 और 50 इनके बीच के कौन से नंबर लेने हैं ओड नंबर्स, और उनका क्या फाइंड आउट करना है हमें सम. ठीक है, अब देखिए 0 के बाद ओड नंबर कौन सा आएगा, हमारा 1 आएगा. ठीक है, अब नेक्स्ट 1 के बाद क्या आएगा 3, फिर कौन सा ऑड नंबर आएगा 5, ऑड नंबर्स पता है ना जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकते, फिर 7, फिर अप टू सोन. अब 50 तो हमारा कैसा है इवन, तो कौन सा आ जाएगा ऑड 49. ठीक है, तो ये हमारी क्या आ गई सीक्वेंस आ गई. अब हमें क्या करना है, इसका हमें सम फाइंड आउट करना है टोटल. तो देखिए फर्स्ट टर्म तो गिवन है, यहां से क्या है हमारी क्या निकल गई 1, डी क्या निकल गया यहां से हमारा थर्ड टर्म सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो यानी कि 3 माइनस 1 क्या बन गया 2, ए आ चुका डी आ चुका. अब हमें क्या चाहिए, हमें एन की वैल्यू चाहिए सम फाइंड आउट करने के लिए. तो एन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए ये कौन से नंबर की टर्म है नहीं पता, तो इसको कौन से नंबर की टर्म सपोज कर लेते हैं ए एन यानी कि एनथ टर्म. अब एनथ टर्म किसको सपोज कर लिया 49 को, फॉर्मूला लगा दीजिए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी किसके इक्वल 49 के इक्वल, ए की वैल्यू क्या है 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 2 इक्वल्स टू में क्या है 49. अब देखिए n माइनस 1 इंटू 2 49 एज इट इज, ये प्लस का 1 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, 49 में से 1 को माइनस करेंगे क्या बचा 48, n माइनस 1 इक्वल्स टू ये 2 यहां पे मल्टीप्लाई है दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, 48 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आ गया 24. ये माइनस का 1 है यहां पे उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो n इक्वल्स टू 24 प्लस 1 क्या आ गया 25. ठीक है, तो हमारी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकाल चुके हम, क्या आंसर आ चुका है उसका 25. अब क्या निकाल लेते हैं सम, यानी कि सम किसके इक्वल और कितनी टर्म्स का सम 25 का, तो यानी कि S25 फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो n बाई टू यानी कि 25 बाई टू इंटू टू ए, ए की वैल्यू क्या थी हमारी 1 प्लस n माइनस 1 यानी 25 माइनस 1 क्या हो जाएगा 24 इंटू डी की वैल्यू क्या है 2. अब यहां से देखिए 25 बाई टू इंटू अंदर से क्या आ गया 2 प्लस 24, 2 का क्या होता है 48, तो देखिए यहां से 25 बाई 2 इंटू 48 प्लस 2 क्या हो गया 50. ठीक है, 2 से ये कट गया, ऊपर क्या चला गया 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आंसर आ गया हमारा 625. ठीक है जी, अब इसके बाद के जो भी क्वेश्चन हैं बच्चे वो हमारे सीबीएसई बोर्ड में नहीं है. ठीक है, रिमूव कर दिया गया है ना सिलेबस से, अभी वो सिलेबस वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है जिसमें सिलेबस क्या रिमूव हुआ है क्या नहीं हुआ है तो एक बार आप जाके चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पे, मैंने डाली हुई है. तो इसके बाद बच्चे मैं आपको क्वेश्चंस तभी कराऊंगी अगर आपको नेसेसरी है, अगर आप चाहते हैं करना तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं नेक्स्ट वाली वीडियो भी अपलोड कर दूंगी. तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.